इस लेसन में हम बात करेंगे अबाउट लुक अलाइक ऑडियंसेस। आप समझोगे कि लुक अलाइक ऑडियंसेस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ठीक है जी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि लुक अलाइक ऑडियंसेस होती क्या है। सो अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि फेसबुक में 3 टाइप्स की ऑडियंसेस होती हैं। पहली सीड ऑडियंस, राइट, जिसमें आप इंटरेस्ट टारगेटिंग, बिहेवियर टारगेटिंग लेते हो। दूसरी कस्टम ऑडियंस, जिसके अंदर आप उन लोगों की ऑडियंस बनाते हो जिसने आपके बिजनेस के साथ एंगेज किया है। एंड द लास्ट वन इज लुक अलाइक ऑडियंस। अब लुक अलाइक ऑडियंस होती क्या है, आप ये समझो। सपोज करो आपके पास 5000 यूजर्स की लिस्ट है, ऐसे यूजर्स जिन्होंने आपके साथ बिजनेस किया है। अब आप इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां इन 5000 जैसे ये 5000 लोग हैं, ऐसे आपके पास मिलियंस ऑफ लोग हों, सेम इन 5000 लोगों जैसे, राइट। तो इसे ही हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। अब आप समझो कि लुक अलाइक ऑडियंस काम कैसे करती है। तो सपोज करो यहां मैंने 500 लोगों का डेटा, या सपोज करो 2000 लोगों का डेटा फेसबुक को दिया और फेसबुक को बोला, फेसबुक मुझे इन 2000 लोगों जैसे और लोग ढूंढ के दो। सिंपल, इसे हम कहते क्या है, लुक अलाइक ऑडियंस। अब होगा क्या, फेसबुक इन 2000 लोगों के बीच की सिमिलैरिटीज देखेगा। क्या देखेगा, सिमिलैरिटीज, कि भैया ये जो 2000 लोग हैं इन्हें, इनके बीच में सिमिलर क्या है। तो सपोज करो इनके बीच में सिमिलर ये है कि इन सबको बॉडी बिल्डिंग पसंद है, ठीक है, ये एक सिमिलैरिटी हो गई। और क्या सिमिलैरिटी है, कि सपोज इन सबको लजार एंजेलो पसंद है, राइट। तो फेसबुक इनकी डेमोग्राफिक्स, इनके इंटरेस्ट, ये सारी सिमिलैरिटीज देखेगा और इन्हीं टाइप के और लोग आपको ढूंढ के दे देगा। इसे हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। अब यहां एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर आप देखो तो लुक अलाइक ऑडियंस भी कोल्ड ऑडियंस ही है, ये भी वो लोग हैं जो आपको नहीं जानते, जिन्होंने आपका कभी कंटेंट नहीं देखा, जिन्होंने आपके साथ कभी बिजनेस नहीं किया, ये भी कोल्ड ऑडियंस है। बट फर्क क्या है, क्योंकि ये जो ऑडियंस है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बेस्ट ऑडियंस से मिलती जुलती है, आपकी जो बेस्ट ऑडियंस है उनसे मिलती जुलती है, तो इनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। समझ गए आप, इनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी बेस्ट ऑडियंस से मिलती जुलती है। सिंपल है, ठीक है। अब लुक अलाइक ऑडियंस की कुछ कंडीशंस भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो कस्टम ऑडियंस, ठीक है। फेसबुक कस्टम ऑडियंस की हेल्प से ही लुक अलाइक ऑडियंस बनाता है। तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस के बारे में आप इन डेप्थ मैं आपको 4-5 लेसन में समझा चुका हूं। प्लस ये जो कस्टम ऑडियंस है इसका मिनिमम साइज होना चाहिए 100, ठीक है जी। ये जो आपकी कस्टम ऑडियंस है इसका मिनिमम साइज होना चाहिए 100। अगर इसका मिनिमम साइज 100 नहीं है देन फेसबुक आपको लुक अलाइक ऑडियंस बना के नहीं देगा। ये तो मिनिमम साइज हो गया, बट फेसबुक क्या रेकमेंड करता है, फेसबुक रेकमेंड करता है कि आपके पास ऑडियंस साइज क्या होनी चाहिए, 1000 से 50000। ये रेकमेंड करता है फेसबुक। मिनिमम तो है 100, बट रेकमेंडेड है 1000 से 50000। जितनी ज्यादा आपकी सोर्स ऑडियंस है, राइट, जितनी ज्यादा आपकी सोर्स ऑडियंस है उतनी ज्यादा बेटर आपकी कस्टम लुक अलाइक ऑडियंस होगी।
जितनी अच्छी आपकी सोर्स ऑडियंस है उतनी अच्छी आपकी लुक अलाइक ऑडियंस होगी। अगर आपका सोर्स ऑडियंस जो है, अगर आपकी सोर्स ऑडियंस खराब है, देन लुक अलाइक ऑडियंस भी खराब होगी। ठीक है, तो आपकी लुक अलाइक ऑडियंस भी खराब होगी। तो मेक श्योर कि आपकी सोर्स ऑडियंस अच्छी है और इसका जो साइज है वो भी अच्छा है। अगर साइज बहुत छोटा होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, राइट? अब होगा क्या, जब भी आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाओगे तो आप मल्टीपल ऑडियंसेस बना सकते हो, राइट? आप मल्टीपल ऑडियंसेस बना सकते हो। सपोज करो मैंने दिए फेसबुक को 3,000 लोगों की लिस्ट, अब मैं इससे कितने लुक अलाइक ऑडियंस बना सकता हूं? 1% लुक अलाइक, 2% लुक अलाइक, 3% लुक अलाइक, 5% लुक अलाइक। जितना कम परसेंट लुक अलाइक होगा मेरा उतनी अच्छी ऑडियंस होगी, जितना ज्यादा मैं परसेंटेज लूंगा उतनी कम सिमिलैरिटी होगी ऑडियंस के बीच में। ठीक है, जितना कम परसेंटेज उतनी ज्यादा सिमिलैरिटी, जितना ज्यादा परसेंटेज उतनी कम सिमिलैरिटी। ठीक है, तो आप एक सोर्स ऑडियंस से मल्टीपल ऑडियंसेस बना सकते हो। प्लस सपोज करो आपके पास सोर्स ऑडियंस है 5,000 लोगों की और ये ऑडियंस है इंडिया की, राइट? अब आप चाहते हो कि आप इस सोर्स ऑडियंस से लुक अलाइक ऑडियंस बना लो यूएसए की। ठीक है, आप लुक अलाइक कहाँ की बनाना चाहते हो? यूएसए की। तो ये पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देख, ये तो था सारा सोर्स और लुक अलाइक ऑडियंस के बारे में। अब हम देखते हैं कि लुक अलाइक ऑडियंस बनती कैसे है। बहुत 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 ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको जाना है अपने जो ये बिजनेस टूल्स का ऑप्शन है आपके पास, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, और यहाँ जाके आपको सिंपल ऑडियंसेस में जाना है। मैं सही एड अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहां जाओगे ऑडियंसेस में, देन आप करोगे क्रिएट ऑडियंस और इस बार आप करोगे लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, अब फेसबुक देखो आपसे क्या पूछ रहा है। सबसे पहले सोर्स, कि भैया किस चीज से लुक अलाइक बनाना चाहते हो। तो मैं सोर्स में जाऊं तो सपोज मैं क्या करना चाहता हूं, ऐसे लोगों की ऑडियंस बनाना चाहता हूं जिसने भी क्या किया है, मेरी वीडियो देखी है 25%। ठीक है, मैं ऐसे लोगों की ऑडियंस बनाना चाहता हूं जिसने मेरी वीडियो देखी है 25%। तो आपकी जो भी सोर्स ऑडियंस है आप उसे यहां पे सेलेक्ट कर लो। देन आप सेलेक्ट करोगे कि आप कहाँ के लिए ऑडियंस बनाना चाहते हो, आप ऑडियंस कहाँ, किस कंट्री की बनाना चाहते हो, इंडिया की, यूएस की, जहां की भी बनाना चाहते हो। तो सपोज मेरे को बनानी इंडिया, तो मैंने ले लिया इंडिया। देन फेसबुक पूछ रहा है क्या साइज होना चाहिए आपके लुक अलाइक ऑडियंस का। आप देखो अगर मैं 1% लेता हूं तो फेसबुक मुझे कितने लोग दे रहा है, 3.3 मिलियन। अगर मैं 2% लेता हूं तो फेसबुक दे रहा है 6.6 मिलियन। मैं जितने परसेंट बढ़ाऊंगा उतना ऑडियंस साइज बढ़ता जाएगा, प्लस जितना ऑडियंस साइज बढ़ता जाएगा उतनी सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी लोगों के बीच में। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ऑडियंस साइज उतनी कम सिमिलैरिटीज, और जितनी कम सिमिलैरिटीज उतनी ही ऑडियंस की क्वालिटी खराब। ठीक है, तो आपको स्टार्ट हमेशा करना है 1% से, देन गोइंग फॉरवर्ड आप 2%, 3%, 4% भी टेस्ट कर सकते हो। एक दो बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कई कैंपेन्स के 2%, 3% वाली ऑडियंस ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है और 1% वाली ऑडियंस खराब रिजल्ट देती है। ठीक है, तो आप ये टेस्ट करके देख सकते हो। देन मैं करूंगा क्रिएट ऑडियंस और ये बन गई मेरी लुक अलाइक ऑडियंस। सिंपल, अब इसे मैं एड में यूज कर सकता हूं। आपको दोबारा लुक अलाइक ऑडियंस बनानी है तो सिंपल कस्टम ऑडियंस, सॉरी मैं क्या, क्रिएट ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, देन आप अपना सोर्स सेलेक्ट करो। तो सपोज अब मैं करना चाहता हूं ऑल वेबसाइट विजिटर, जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पे गए हैं मैं उनके जैसे लुक अलाइक बनाना चाहता हूं। तो मैंने ऑल वेबसाइट विजिटर्स लिए, देन सोर्स मैंने लिया सपोज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, और देन मैंने लिया 1% और देन मैंने किया क्रिएट ऑडियंस, राइट?
एक दोबारा बना लेते हैं। मैं गया लुक अलाइक ऑडियंस और सपोज मैंने सोर्स में लिया ऐसे लोग जिन्हें जिन्होंने मेरा पेज ऑसम बॉर्न इन जनवरी लाइक किया हुआ है, और सेलेक्ट ऑडियंस लोकेशन में गया से इंडिया। और अब मैंने क्या किया, ये दिखा रहा है नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंसेस, अब मैंने कर दिया यहां पे सपोज 3। तो अब मुझे फेसबुक 3 ऑडियंसेस बना के दे देगा, एक होगा 1%, 2% और 3%। आप देख सकते हो 1% ऑफ इंडिया, 1-2% और 2-3%, एक साथ 3 ऑडियंसेस बना के दे देगा। और मैंने यहां पे कर दिया क्रिएट ऑडियंस। बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है। अब देखो ये बनी नहीं, सोर्स इज टू स्मॉल, तो हमने क्या बात की थी, एटलीस्ट 100 लोग होने चाहिए, और देखो वही प्रॉब्लम हो गई, इस सोर्स में 100 लोग नहीं है, ठीक है। सो आपने आज देखा कि कैसे आप लुक अलाइक ऑडियंसेस बना सकते हो, कितने टाइप की लुक अलाइक ऑडियंसेस होती हैं, और कैसे आप लुक अलाइक ऑडियंसेस बना सकते हो, ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन। जो हम कल का लेसन पढ़ेंगे फिर उसमें हम और आगे सीखेंगे फेसबुक एड्स के बारे में। थैंक यू सो मच।